हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 13 व्याकरण की बुक का। पार्ट 13 वाक्य रचना, तो निकालिए पेज नंबर 97। पार्ट 13 वाक्य रचना। वाक्य रचना क्या होती है? यहाँ पर जैसे कुछ पिक्चर्स दे देते हैं और हमें उनको देखकर कुछ वाक्य बनाना रहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है मेरा बस्ता, और यहाँ पर पिक्चर्स दे रखी बैग की, पेंसिल, कॉपी, कंपास बॉक्स, है ना, ये सारी पिक्चर्स दे रखी है, तो हमें इनको देखकर वाक्य लिखना है। ओके, तो निकालिए पेज नंबर 97। यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं वाक्य इस पिक्चर को देख के। उसी तरह से हम पेज नंबर 98 पर अपने परिवार के बारे में लिखेंगे, और किसी जो हमें पसंद है उस चीज़ का हम चित्र चिपका देंगे नीचे। ओके, तो पहले तो आप निकालिए पेज नंबर 97, इसके बारे में हम वाक्य लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा मेरा बस्ता, तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ मेरा बस्ता नीले रंग का है, मैं इसे स्कूल लेके जाती हूँ। इस तरह से हम किसी भी पिक्चर के ऊपर वाक्य बना सकते हैं। सपोज आपको दे दिया एक एप्पल, आपको बोला उसके ऊपर वाक्य बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? यह एप्पल है, यह बहुत मीठा है, मुझे एप्पल खाना पसंद है ना। तो इस तरह से हम किसी भी चित्र के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर वाक्य बना सकते हैं। ओके, पार्ट 13 वाक्य रचना, पेज नंबर 97, मेरा बस्ता। अब यहाँ पर हमें वाक्य रचना करना है। क्या होता वाक्य रचना? मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, किसी भी पिक्चर के बारे में लिखना, वैसे ही हम यहाँ पे जो पिक्चर दे रखी है उनके बारे में हम लिख सकते हैं। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यह बस्ता नीले रंग का, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, यह मेरा बस्ता है, यह कौन से रंग का है? नीले रंग का। यहाँ एक सेब भी है जो कि बहुत मीठा है, यहाँ मेरी पेंसिल है, मैं इससे लिखता हूँ, ये मेरा वाटर बॉटल है जिससे मैं पानी पीता हूँ, और मेरा लंच बॉक्स है। तो हम इस पिक्चर को देख के वाक्य बना सकते हैं। और यहाँ पर एक रुमाल भी रखा हुआ है, ठीक है। अब हम इनके बारे में लिखेंगे। और यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, मेरे साथ साथ आप भी बोलते जाइएगा। मेरा बस्ता नीले रंग का है। क्या लिखा है यहाँ पर? मेरा बस्ता नीले रंग का है, वह मेरा प्रिय साथी है, वह मेरा प्रिय साथी है, मैं उसे अपने साथ विद्यालय लेकर जाती हूँ। क्या लिखा है? मैं उसे अपने साथ विद्यालय लेकर जाती हूँ, मैं उसमें अपनी किताबें, कापियां और पेंसिल बॉक्स रखती हूँ, मैं उसमें अपनी किताबें, कापियां और पेंसिल बॉक्स रखती हूँ, बस्ते की बाहर वाली जेब में अपना टिफिन बॉक्स, एक फल और एक रुमाल रखती हूँ। फिर से देखे, मेरा बस्ता नीले रंग का है, वह मेरा प्रिय साथी है, मैं उसे अपने साथ विद्यालय लेकर जाती हूँ, मैं उसमें अपनी किताबें, कॉपियां और पेंसिल बॉक्स रखती हूँ, बस्ते की बाहर वाली जेब में अपना टिफिन बॉक्स, एक फल और एक रुमाल रखती हूँ, मैं अपना बस्ता प्रतिदिन टाइम टेबल के हिसाब से जमाती हूँ, मैं उसे साफ रखती हूँ। क्या है? मैं अपना बस्ता प्रतिदिन टाइम टेबल के हिसाब से जमाती हूँ, मैं उसे साफ रखती हूँ। आया समझ में आपको? चलिए पेज नंबर 98 निकालिए। वर्कशीट 13, अब आपकी बारी। अपने परिवार के बारे में 5-6 वाक्य लिखो और अपनी किसी प्रिय चीज का चित्र बनाओ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, वो आपको देखकर लिखना है, और आप किसी भी चीज का चित्र आप नीचे आप बना सकते हैं। ओके, जैसे नंबर 1, मेरा छोटा सा परिवार है। क्या लिखेंगे हम पहला वाक्य?
मेरा छोटा सा परिवार है। मेरे परिवार में 6 लोग हैं। क्या लिखेंगे हम दूसरा वाक्य? मेरे परिवार में 6 लोग हैं। घर में सबसे बड़े मेरे दादाजी हैं। हम दो भाई बहन हैं। मुझे मेरा परिवार बहुत प्रिय है। सबसे पहला वाक्य क्या लिखा है हमने? मेरा छोटा सा परिवार है। नंबर 2, मेरे परिवार में 6 लोग हैं। नंबर 3, घर में सबसे बड़े मेरे दादाजी हैं। फिर नंबर 4, हम दो भाई बहन हैं। फिर है नंबर 5, मुझे मेरा परिवार बहुत प्रिय है। सबसे पहला वाक्य क्या है? मेरा छोटा सा परिवार है। मेरे परिवार में 6 लोग हैं। घर में सबसे बड़े मेरे दादाजी हैं। हम दो भाई बहन हैं। मुझे मेरा परिवार बहुत प्रिय है। तो ये सारी चीजें आपको बुक में लिखना है। और नीचे दे रखा कि आप किसी भी प्रिय चीज का चित्र आप चिपका सकते हैं, तो वो आपको करना है। ओके?